किसका तन मन धन सब किसका सोई सुखड़ सुजानी तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा सौ विद नीकी खटानी जिसका तन मन धन सब किसका सोई सुखड़ सुजानी तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा जीव की एक ही बहमानी अब जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिन नहीं कीमत जानी रहात अमृत नाम निर्मोल हीरा गुरदीनो मंतानी डिगै रंडोलै दृढ़ कर रहे हो पूरन होए तृप्तानी ओए जो ईज हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल थैली हुई है ताते कंग बखानी परंते ओ जो होत सहज सुख सोपा बाजे अनहत बानी कहो नानक ने जिल घर बाधेओ गुरु कीओ बंधानी परंत्यो जोत सहज सुख सोपा बाजे अनहत मानी कहो नानक ने तिल घर बाधेओ गुरु कीओ बंधानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम नाम जो सासु जी अगला जी बाबू कीर्तन महावाद समर्थ पिता सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने अपने पंजे स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की पवित्र रसना राणी धनाकरी आदि मेल कीती है महान अमृत में वचन जीव मेरा कर रहे हैं जिसकी जी की एक ही पहलवान मनुख का जी है जेड़ा ओदा सुभा एक वाहिगुरू नाल जुड़ता जी जे किसी होर नाल जोड़न की कोशिश करिए जुड़ता ही दुख ही पैदा होता अब यतन कर रहे तेरे तिन तिन नहीं कीमत जानी अनेक यतन सारा संसार कर रहा है पर यतन सफल नहीं होंगे वाहिगुरू नाल जुड़िया ही सफलता प्राप्त होंगी है मन एक कहीं भी कीमत नहीं किसी चीज़ की जानता जे किसी होर चीज़ नाल जुड़ी जुड़ना है रब नाल ही है वाहिगुरू नाल जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुख सुजानी मन तन ये वाहिगुरू का दिता हुआ ये सहारे मनुख धन प्राप्त करता है तो ताना मन घड़न वाला वाहिगुरू है जो सुजान है जो चंगी तरह काढ़ करन वाला है वही तरी सुनिया तो सुख मेरा तो विद नीकी खटा जे ओदे चरणा में अरदास करिए दुखा सुख में सुन वाला तो ही है प्रभु देवन हार अवर त्याग को प्रसिद्धता तौबत नीकी खटानी विद है जी जीवन की शैली है जो जीवन की युक्ति है नीकी सोहनी खटानी खट्टी करने वाली जिहड़ी युगत है खट्टण वाली नाम जपण वाली जिहड़ी है जिहड़ी नीकी ये सब तो वधिया है ये उसे नूं प्राप्त हुंदी है जिहड़ा सतगुरु के चरणा का आसरा लैंदा दुखां सुख गुरु के कोल करदा अमृत नाम ने मोल कीरा गुरु दीनो मनता सतगुरु के कोल अमृत रूपी नाम ये एक निर्मोलक ऐसी वस्तु है हीरा है जिहड़ा मंत्र रूप के विच गुरु दिंदा जिहड़ा गुरु के चरण छण आवे उहनूं इह मंत्र प्राप्त हुंदा है जे प्राप्त हो जावे फिर अगे की फल प्राप्त हुंदा डिगै ना डोलै गुरु की बाणी पूर्ण है अडोल है तो जिसनूं इह मंत्र गुरु का प्राप्त हो जावे उपदेश प्राप्त हो जावे नाम प्राप्त हो जावे नाम डिगदा है ना डोलदा है दृढ़ कर रहे हो दृढ़ हो जाता है वचना दे पूर्ण हो तृप्तां नूं सतगुरु की बाणी पूर्ण है और तृप्ति देण वाली है वह मनुख तृप्त हो जाता रज जाता कि कृष्णा नहीं कोई है नहीं मुड़े और जो बीच हम तुम कट होते तिनकी बात मिलाती आत्मा ते परमेश्वर दे विचार जिन्हिया भी इच्छावान हैं तो सारिया बिलानी तो पाप खत्म हो जाए अलंकार में फैली हुई है ताते कंग खानी जिस तरह सोने सोने के गहने होंगे अलंकार को बाबा बखरे बखरे रूप और सोने के गहने दिते हैं दिते जाते हैं पर अंदर जो भुलाए सारे को सोना ही बन जाता इस तरह बकरिया बकरिया आत्मावान हैं सारिया बकरिया बकरिया बदलियां इच्छावान हैं सारे
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਗ ਸਹਿ ਸੋਖਾ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਟਕਾ, ਸਹਿਜ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੇ ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਅਨਾਹਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਚਲ ਕਰ ਵਾਧਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਤਰ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਚਲ ਘਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਰੈ ਕਾਲੀ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਚਲ ਘਰ ਇਹ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾ ਕਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਾਰਾਇਣ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਦਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ।